करंट अफेयर्स डेली विथ मी कैड कैड में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि डेली करंट अफेयर्स आपको साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता है मेरे फेसबुक ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आपको सर्च करना है CAD विथ मी और फेसबुक ग्रुप में मैं लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम सेशन शुरू करते हैं। आज का 2 जनवरी का एक नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शहर में भारतीय, दो बार भारतीय हो गया है, किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का 80वां सत्र का आयोजन हुआ। ऑप्शन ए नई दिल्ली, केरल, मुंबई, हैदराबाद। ये कन्नूर है जहाँ की हुआ है इसका सत्र का आयोजन इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का, भारतीय इतिहास कांग्रेस का जो 80वां सत्र हुआ है उसका आयोजन हुआ है कन्नूर में। यही कहाँ पड़ता है, किस राज्य में, यह है केरल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटाने एवं विभिन्न विभागीय कार्यों में तीव्रता लाने हेतु रन थ्रू फाइल्स प्रणाली की शुरुआत की है। ये रन थ्रू फाइल्स की शुरुआत की है क्योंकि जो सरकारी फाइलें हैं उस वो बहुत सारे काम पेंडिंग में रहते हैं, उसको जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए ये रन थ्रू फाइल्स की प्रणाली की शुरुआत की है। किस राज्य ने की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने रन थ्रू फाइल्स की शुरुआत की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया? वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप इसका आयोजन हुआ है मॉस्को में। अगर आपने करंट अफेयर्स मेरा पहले वाला देखा है तो आपको याद होगा, या फिर मेरा जो पीडीएफ, अगर फेसबुक से जुड़े होंगे आप मेरा पीडीएफ अगर देखे होंगे उसमें कोनेरू हम्पी ने यहाँ जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 27वें संस्करण का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 तक किस शहर में किया गया? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, मुंबई, किन्नूर, आगरा। इसका आयोजन किया गया है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ पर है? ये भी है केरला में, यह केरला की राजधानी, कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SPG के महानिदेशक का नाम बताएं जिनका कार्यकाल कैबिनेट नियुक्ति समिति ने, देखिए क्या है, कैबिनेट नियुक्ति समिति ने SPG के जो महानिदेशक हैं इसका जो कार्यकाल बढ़ाता है वो है कैबिनेट नियुक्ति समिति ने 30 जुलाई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। किनका? ये अरुण तिवारी है ऑप्शन में, अरुण कुमार सिन्हा है, राजेश कुमार सिन्हा है, अमर प्रकाश है। तो ये अरुण कुमार सिन्हा SPG। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आप कुछ दिनों पहले आप सुने होंगे SPG पे एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था कि प्रधानमंत्री को छोड़ के SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है वो किसी को सुरक्षा मुहैया नहीं कराएगी, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सबको SPG की सुरक्षा दी जाती थी, लेकिन वो उतना उसका वैल्यू देते नहीं थे। इस वजह से SPG को उन लोगों से हटा दिया गया और बोला गया कि सिर्फ जो भी प्रधानमंत्री हैं उनको ही SPG की सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, चलिए, तो इसका SPG के महानिदेशक फिर से आगे की भी 2021 तक ये अरुण कुमार सिन्हा ही बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस दिन को विलय दिवस रूप में अवकाश घोषित किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में किस दिन को
विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया गया है? ये इसका आंसर है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को विलय दिवस के रूप में अवकाश घोषित किया गया जम्मू कश्मीर में, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। किस देश ने हाल ही में भारत की सीमा से जुड़े इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है? ये ऑप्शन है भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, क्योंकि जो भारत और म्यांमार के सटे इसके जिले हैं, करीब करीब 20 से ऊपर जिले हैं जिसकी इंटरनेट सेवा इसने बंद कर रखी है, जो कि बाधित इंटरनेट सेवा सुरक्षा मुहैया को देखते हुए, जो कि यहाँ CA जो NRC लागू हुआ है उस वजह से, ठीक है। आप याद रखिएगा इस चीज को कि बांग्लादेश ने भारत की सीमा से जुड़े इलाकों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। देखिए, ये ज्वाइन माई मेरे टेलीग्राम ग्रुप का ये लिंक है, t.me/CADwithMe, CADwithMe सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा चैनल टेलीग्राम का, आप उससे जुड़ सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस बैंक ने अचल संपत्तियों की लिस्टिंग और ई नीलामी के लिए मैजिक ब्रिक्स के साथ साझेदारी की? ये जो अचल संपत्ति की लिस्टिंग और ई नीलामी के मैजिक ब्रिक्स के साथ साझेदारी की है, वो है फेडरल बैंक। ये फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है मैजिक ब्रिक्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब प्राप्त कर लेगा? ये आपको याद होगा 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 5 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 रिपोर्ट के अनुसार जो है ये 2026 तक ये 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020 का रिपोर्ट है, ठीक है। 9 नंबर देखिए। रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ राहुल गांधी ने इसका उद्घाटन किया था, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों शामिल थे। तो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का उद्घाटन किया। 10 नंबर देखिए। किसे वर्ष का जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है? इसका सही आंसर है दीपक पुनिया, क्योंकि इन्होंने अभी बहुत हाल ही में नाम कमाया है, बहुत से चीज जीते हैं इन्होंने अपने मैचेस, इस वजह से इनको जूनियर फ्री स्टाइल पहलवान नामित किया गया है इस वर्ष का, ठीक है। मतलब इस वर्ष बोले तो 2019 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका जो लेखक है यह बोरिया मजूमदार। मैंने एक ही दिया है, इसमें एक और है, दोनों ने मिलके लिखा है ड्रीम्स ऑफ अ मिलियन, सॉरी ड्रीम्स ऑफ अ बिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम्स, ये दो लोगों ने मिलकर किया है। पहला है बोरिया मजूमदार, दूसरा आपको बताना है कमेंट में कौन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में खोला गया पहला। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी एग्जाम में, निश्चित है। 13 नंबर देखिए। भारत सरकार भारतीय ओवरसीज बैंक में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय ओवरसीज बैंक में कंफ्यूज नहीं होना आपको, इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसमें कुछ पैसे कुछ करोड़ रुपए निवेश किया है भारत सरकार ने या निवेश करेगी, कितना है वो? वो है 4360, 4360 करोड़ ये इंडियन ओवरसीज बैंक में भारत सरकार निवेश करेगी। देखिए स्टूडेंट, मैं भी मेहनत करता हूँ,
करंट अफेयर्स को इकट्ठा करता हूँ, बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। आप लोग को अच्छा लगे या नहीं लगे कोई बात नहीं है, डिसलाइक ही कर दीजिए, सब्सक्राइब बस कर दीजिए, उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। और शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स में। आपको क्या है, क्वेश्चन ही है ना, है तो क्वेश्चन ही, आपको सिर्फ पढ़ना है क्वेश्चन आंसर, और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं? इसका ऑप्शन है 20 लाख करोड़, 51 लाख करोड़, 68 लाख करोड़, 100 लाख करोड़। इसका सही आंसर है 51 लाख करोड़। इसका सही आंसर है बी, 51 लाख करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। नेक्स्ट देखिए, जनरल बिपिन रावत के सीडीएस पद के लिए नियुक्ति होने के बाद भारत सीडीएस नियुक्त करने वाला कौन सा देश बन गया है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? ये पांचवा देश है जिसने सीडीएस की नियुक्ति की है। अब पांचवा देश है तो चार देश कौन कौन से हैं? देखिए, चार देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, जिन्होंने सीडीएस नियुक्त कर रखे हैं पहले से। भारत है पांचवा, चार है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च के मुताबिक भारत किस वर्ष तक जर्मनी को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 2026 तक 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है कि वहां तक भारत की वर्षा जाएगी। इस वजह से ये जर्मनी को पछाड़कर 2026 तक जो है ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 2026 दोनों है, वो भी जो कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया गया है, और दूसरा जर्मनी को पछाड़कर। ये दोनों अनुमानित है, गारंटी नहीं है। 17 देखिए, केंद्र सरकार के नवीनतम स्वच्छता सर्वेक्षण में किस शहर को चौथी बार सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है? सबसे स्वच्छ घोषित किया गया फिर से इंदौर को। इंदौर ने लगातार चौथे साल जो है इसको इस पुरस्कार को जीता है, क्योंकि इंदौर साफ सुथरे के मामले में टॉप पे रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। 17 क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपने पढ़े हो तो आपका रिवीजन हो गया होगा, नहीं पढ़े हो, जो नए हैं वो आपको मिल गया होगा, आप याद कर लीजिए, इसको भूलना नहीं है। और पीडीएफ मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, आप लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिए दोस्तों। थैंक यू।